हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेल्स किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राखी के लिए खास मिठाई। और राखी आती है सावन के महीने में। सावन के महीने में हम सभी व्रत और उपवास तो करते ही हैं और बहुत सारे त्योहार भी आते हैं इस महीने में। तो आज हम बनाएंगे ऐसी मिठाई जो व्रत और उपवास में भी खा सकते हैं और किसी भी त्योहार के लिए ये बहुत ही परफेक्ट मिठाई है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। ये बनती है बिना घी और बिना मावे की। ये बनाई है मिठाई हमने काजू पाउडर, मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर से और साथ में चीनी से। तो इसे बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे जिसमें डालेंगे आधा कप पानी और साथ में हम यहाँ पे डालेंगे एक कप चीनी। यहाँ पे हम इस मिठाई को बनाने के लिए चाशनी तैयार करेंगे और इसके लिए हमें एक तार की चाशनी बनानी है। यहाँ पे मैंने एक कप चीनी और आधा कप पानी लिया है। पानी आपको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो चाशनी बनने में समय लग जाएगा। यहाँ पे हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और कुछ देर के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा एक तार बनके तैयार हुआ कि नहीं। अभी हमारी चाशनी थोड़ी कच्ची है तो हम इसे फिर से चलाते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बबल उठ रहे हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे और छोटे छोटे हो जाएंगे तो चाशनी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमारा एक तार बनके रेडी है, यानी कि चाशनी तैयार है। तो हम इसमें इंग्रेडिएंट डाल देंगे। एक कप यहाँ पे मैंने डाला है नारियल का बुरादा, साथ में डाल दिया है एक कप काजू पाउडर। काजू पाउडर को हमने चालूबंद मोड पे पीस लिया था ताकि इसका ऑयल अलग ना हो जाए। यहाँ पे मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है और सभी इंग्रेडिएंट को हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें कोई भी गांठ या गुठली ना रहे और ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मिठाई बहुत ही फटाफट से बन जाती है और स्वाद में बहुत बढ़िया सी बनती है। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और जब तक ये अच्छे से गोला बन के पैन को छोड़ ना दे और घूमने ना लगे तब तक हमें इसे चलाना है। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ ताजी गुलाब की पत्तियां जो मैंने काट के रखी है। गुलाब की पत्तियां मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है तो मैं हमेशा ही इसे अपनी मिठाइयों में यूज करती हूँ। अगर आपके पास है तो आप इसका इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो अगर आपके पास है तो इसे जरूर डालिए। ये देखिए पैन में अच्छे से हमारा मिश्रण घूम रहा है तो इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। ये तैयार हो गया है, गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। यहाँ पे मैंने इसे इंडक्शन पे बनाया है तो इंडक्शन को मैं बंद कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इसे ले रही हूँ एक बाउल में। बाउल में लेकर हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसके पेड़े बनाएंगे। 10 मिनट बाद यहाँ पे मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो अब हम यहाँ पे इसी स्टेज पर इसके गोले बना के पेड़े बना लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसकी कतली भी बना सकते हैं या इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। अगर आप काजू पाउडर यूज करना ना चाहे तो आप यहाँ पे मूंगफली का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है जिसमें पेड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। बढ़िया सा शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने मोल्ड का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ में भी पेड़े बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन गया है इसके ऊपर, जो मार्केट के पेड़े आते हैं ना वैसा ही डिजाइन लगता है ये। ये मेजरिंग कप है जो मेरे पास छोटे बड़े करके पड़े हैं तो उसका इस्तेमाल मैं हमेशा इसे मिठाइयों को शेप देने के लिए यूज करती हूँ जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और एक ही नाप के एक ही साइज के सभी पेड़े बनके तैयार भी हो जाते हैं। ये देखिए ये कोर रेडी हो गया है। हल्का सा जब गर्म होता है मिश्रण तभी हम इसे बना लेंगे। अगर ये ज्यादा ठंडा हो गया तो शेप अच्छे से नहीं आएगा। पेड़े तो आपके जरूर बन जाएंगे पर ये शेप अच्छे से नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे हल्का गर्म जब होता है मिश्रण तभी इसके पेड़े बना लिए हैं। एक एक करके हम सारे पेड़े इसी तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें गुलाब की पत्तियां डाली हैं तो यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर यूज नहीं किया है।
अगर आपको पसंद है तो आप इलायची का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए सभी तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पे लगा देंगे चिरौंजी। चिरौंजी से भी ये बहुत ही बढ़िया सा दिखते हैं और चिरौंजी बहुत अच्छी भी लगती है। जो मार्केट के पेड़े आते हैं उसमें भी चिरौंजी लगी हुई होती है। आपके पास चिरौंजी ना हो तो आप पिस्ता या फिर बादाम या फिर काजू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे पेड़े रेडी हो गए हैं। जो मेजरिंग हमने लिया है उसमें से 20 से 22 पेड़े तैयार होते हैं और ये बहुत ही बढ़िया से लगते हैं। इसे आप व्रत या उपवास में भी खा सकते हैं और त्योहार के लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट पेड़े हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आपके सजेशन का हमेशा इंतजार रहता है। हो सके तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।